हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी कि हेमा जी जिन्होंने मुझे फिल्मों में लाने के लिए, जो बहुत अहम रोल है उनका, और मुझे बहुत प्यार से यहाँ पे आमंत्रित किया, और उन्होंने, धर्म जी ने, उनकी सारी फैमिली ने, जितने भी लोग हेमा जी के यूनिट में थे, दे गिव मी सो मच लव व्हेन आई केम एंड दिल आशना है। वो टेक्निकली मेरी पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन जो प्यार उन्होंने दिया और जो अपनापन मुझे दिखाया, मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और हेमा जी बहुत बड़ी स्टार हैं और हम सबकी ड्रीम गर्ल हैं, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी भर ये मोमेंट सबसे ज़्यादा याद रहेगा कि उन्होंने मुझे बॉलीवुड में ला के, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ला कर काम दिया, और उससे ज़्यादा ऐसा मुझे भरोसा दिलाया कि मैं यहाँ पे अच्छा काम कर सकता हूँ। आपके 3D इमेज भी सामने आई है, इस बारे में बताइए हमें। हम अपनी टीम से बड़े प्राउड हुए। नहीं, प्रतिभा आपका किस तरह से नया? एक्चुअली मोर देन माय टीम ऑफ रेड चिलीज VFX एंड ऑटोडेस्क, आई थिंक इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप अगर इस माइक्रोफोन को प्रिंट करें तो ऐसा ही प्रिंट होगा, सिल्वर में होगा, ब्लैक में होगा, कलर में होगा। सो आई थिंक ये नई टेक्नोलॉजी है, नया वे फॉरवर्ड है, और दुनिया में ये पहली बार हुआ है। सिर्फ हमारी रेड चिलीज VFX नहीं किया है, जो कंपनी ने ये बनाया है वो अमेरिकन कंपनी है, बट इट वॉज क्वाइट अस्टाउंडिंग। मुझे मालूम है क्या हो सकता था, लेकिन कल पहली बार मैंने अपने ऑफिस में देखा, अक्टूबर में आया था, मेरे जन्मदिन पे देने की उनकी इच्छा थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन अस्टाउंडिंग है वो चीज़। I like to receive it after 110 years. जो उस वक्त होंगे वो दे देंगे, बट आई थिंक सी मोर देन क्या अवार्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। आई थिंक हम कई बार जो है, मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात, अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं, क्योंकि हम कई बार उस बात को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इतने सालों से कुछ लोगों ने काम किया है, या इस साल में, या नए किसी एक्टर ने काम किया है। सो आई टू यू नो यू हैव टू अप्रिशिएट इट, बट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आई थिंक इट्स द मोस्ट ऑनरेबल, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट क्लियर, एंड आई थिंक स्ट्रेंजली अ लिटिल इमोशनल अवार्ड। शाहरुख, एक सवाल है मेरा आपसे, आपकी कई सारी एड्स आती, हम इंद्र एक ऐड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है डोंट क्रैक अंडर प्रेशर, तो और इसके पहले भी एक ही आप बताते कि जब दुनिया सोती थी मैं जागता था, तो ये जो आप एक मोटिवेशनल चीज भी करते, तो उसके बारे में कुछ आप बता रहे हैं? नहीं, मेरा, मैं बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार ऐड देखा था, बोरिस बेकर के साथ था, टैग हॉयर घड़ियों के लिए, और उसमें लिखा था कि डोंट क्रैक अंडर प्रेशर। तो जब पहली बार मुझको बोला गया कि आप इस वॉच के साथ जुड़ें या सैट के साथ जुड़ें, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, जो जवान लोग मिलते हैं उनको बोलता हूँ, अपने आप को ये बोलता हूँ कि जब भी परेशानी हो, कुछ तकलीफ हो, और फिल्मों में बहुत होती रहती है, रिलीज़ में होती है, रिलीज़ के बाद होती है, उससे पहले होती है, शूटिंग में होती है, आई थिंक द बेस्ट वे टू सर्वाइव लाइफ इज़ दैट यू डोंट क्रैक अंडर प्रेशर। सो कुछ बातें ऐड के ज़रिए अच्छी भी हो जाती हैं, अलावा इसके कि जैसे लोग बोलते हैं कि ऐड करते हैं सिर्फ पैसे कमाते हैं, सो आई एम ग्लैड आई कैन पार्टिसिपेट इन ऐड कैंपेन्स। वी वर आल्सो वेटिंग फॉर यू एट सायराज पानी, यू डिडंट टर्न अप, लेट 30 इन द मॉर्निंग, आई ट्राइड माय बेस्ट, बट या आई फील वेरी बैड, बट अभी उसका 50 साल जारी है, तो अभी तो है 364 दिन तो है, 330 दिन है। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के ऊपर आप एक बायोपिक कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ यार, बहुत सालों से लोग ऐसा पूछ रहे हैं, मुझे किसी ने ऑफर ही नहीं किया। अगर करण जौहर ऑफर करते हैं तो आप करेंगे? आई डोंट नो कहानी क्या है, और जब मैं बड़ा हो रहा था, 3-4 लोग थे जो मेरे बाप ने, मेरे पिता ने मुझे बताया, जिनकी बहुत इज्जत है मेरे दिल में, एक मिल्खा सिंह जी हैं, एक ध्यानचंद जी हैं, और एक मोहम्मद अली द बॉक्सर, तो उनकी कहानियाँ मुझे उन्होंने बहुत सुनाई, तो मेरे लिए ये सारे के सारे जो हैं मार्गदर्शी रहे जब मैं बड़ा हो रहा था। सो आई फील वेरी थ्रिल इफ आई एम ऑफर्ड, बट नोबडी हैज ऑफर्ड मी दैट फिल्म, तो मैं बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं करना चाहूँगा, नहीं करना चाहूँगा, होगा नहीं होगा, वो सब बातें बहुत दूर की हैं, बट एनी फिल्म दैट इज़ ऑफर्ड विच इज़ मेड ऑन पीपल, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं उतनी अच्छी हॉकी खेल सकता हूँ, एक्चुअली दुनिया में कोई भी ध्यानचंद जैसी हॉकी नहीं खेल सकता है, तो बड़ा सारा स्पेशल इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। नो आई यार, मेरे पास बहुत सारी बायोपिक थी, लेकिन सबने बना ली है, तो अभी मैं सोचूंगा कोई अगर बायोपिक मिले मुझे, बट नो एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई ऐसी बायोपिक नहीं है जो मुझे ऑफर हुई। मुझे भी नहीं मालूम यार, वो अभी हमने कुछ 30-35 दिन शूट की है, और आई थिंक अनदर 30-35 दिन शूटिंग बाकी है, कल से सुबह से, सो इंशाल्लाह मार्च तक खत्म हो जाएगी। शाहरुख, आर्यन को डेब्यू करते हुए देख सकते हैं? नहीं।
बिल्कुल नहीं, नो नो नो। वर्ल्ड कप के लिए, अरे पढ़ लिख तो लेने दो उसको यार। वर्ल्ड कप के लिए मैं पूछना चाह रहा था कि जो इंडियन टीम जा रही है उसके लिए विशेस, एंड जो मोमेंट जो 2011 में इंडिया श्रीलंका का जो मैच हुआ था आपने देखा था, बहुत दूर लेके जा रहा है यार। 2015 हो गया ना, अब की बात करना यार, न्यूज है करंट। 2011 का बहुत अच्छा मोमेंट था, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं एकदम पागल हो गया था, खुशी से दीवाना हो गया था, मैं गाड़ी के अंदर आ गया था और मैं सड़कों पे नाच रहा था और गा रहा था। और इंशाल्लाह हमको ये मौका फिर से हमारी टीम देगी, और अगर ना भी दे तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम, लव देम, वेदर दे विन और लूज, आई थिंक इट्स द एफर्ट in trying to win the World Cup for us, that is more important than the winning or the losing. On 26th of this month, Republic Day, Gandhi Diwas par. 26 se shuru karte hain aur 31 December tak chalega. Mr. Obama will be coming down to Mumbai. Abhi main chale aa raha hu, mujhe bula rahe hain. Thank you very much.